तो गाइस आज के इस वीडियो में बनाने वाले हम बैटरी का पानी। तो गाइस क्या आप भी चाहते हो कि आप भी बनाए अपने घर पे बैटरी का पानी, वो भी बहुत ज्यादा आसानी तरीके से। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि बैटरी का गाइस जो बैटरी के अंदर पानी डालते हैं डिस्टिल वाटर, वो किस तरीके से बनता है और उसको किस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं। तो गाइस यार पिछली वीडियो में जो काफी ज्यादा कमेंट मुझे देखने को मिल रही थी कि भाई आपने बैटरी के पानी के बारे में काफी ज्यादा बताया, तो आप क्या करें कि आप जो है बैटरी का पानी बना के दिखाओ और बताओ कि बैटरी का पानी जो किस तरीके से बनता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि जो हमारा बैटरी का पानी वो किस तरीके से बनता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यार भरा लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप जो है समझ नहीं आ पाएगा। तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली कुछ इस तरह के एक बर्तन की, और गाइस करना क्या है कि गैस स्टोव की जरूरत पड़ने वाली। तो गाइस गैस स्टोव पे रख के हमें जो है पानी को गर्म करना होता है इसलिए। तो गाइस उसके बाद हमें जरूरत पड़ने वाली कुछ इस तरह के साल्ट की। तो गाइस साल्ट डालने से क्या होता है कि जो हमारी ग्रेविटी होती है यानी कि गाइस जो पानी में ग्रेविटी होती है वो आ जाती है साल्ट डालने से। ये देखिए हमारा नॉर्मली साल्ट है जो कि हम घर में खाने के यूज़ करते हैं। तो गाइस अब करना क्या है कि इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो गाइस मैं तो फिलहाल जो है आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ही बना रहा हूँ, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो है कितना भी बना सकते हो। अगर आपके पास में एक बैटरी है तो गाइस 5 से 7 लीटर के आसपास बना सकते हो, दो बैटरी है तो 10 से 14 लीटर के आसपास। तो गाइस फिलहाल मैं इसको इतना बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक डेमो को साथ में दिखा सकूँ कि किस तरीके से हमारा जो पानी बनता है। तो गाइस अब करना क्या है कि हमारा जो गैस गैस स्टोव है उसको कर देना है चालू। तो फटाफट से गैस मैं गैस स्टोव को चालू कर देता हूँ। ये देखिए हमारी जो गैस स्टोव है चालू हो चुकी है। अब गैस इसमें जो है थोड़ा सा हमें साल्ट डाल देना है यानी कि नमक, उससे क्या होगा गैस जो हमारी पानी में ग्रेविटी आ जाएगी। बाकी तो गैस नॉर्मली कुछ नहीं करना ज़्यादा, ये दो चीज़ डाल के हम बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा आसानी से बैटरी वाटर। तो ये देखिए हमारा जो पानी था पूरी तरीके से खोलने लगा है। तो गैस इतना साल्ट इतने पानी में काफ़ी होगा, तो इतना साल्ट डाल देते हैं पानी में हमने कुछ इस तरीके से। तो गैस अब साल्ट को डालने के बाद हमारा जो पानी उसको पकने देना काफ़ी था अच्छी तरीके से। तो जब तक लिए गैस पकता है मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ साल्ट को पानी के अंदर। आपको भी काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है साल्ट को पानी के अंदर, ताकि जो हमारा गैस साल्ट है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो गैस ये देखिए अब जो हल्के हल्के इसको पकने देते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, और आपको गैस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसको पका लेना है जो कि हमारे पानी के बैक्टीरिया वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए हमारा जो पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खोलने लगा। तो गैस बस इतना खोलना काफ़ी होगा, हमें तो बस इसके बैक्टीरिया को मारना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो गैस अब करना क्या कि इस गैस स्टोव को जो बंद कर देते हैं हम इस तरीके से। तो गैस अब जो हमारी गैस स्टोव बंद हो चुका है तो अब करना क्या कि यहाँ पर जो हमारा पानी जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो गैस इसको रख देना साइड से ठंडा होने के लिए काफ़ी देर तक। जो गैस हमारा पानी बिल्कुल नॉर्मली जैसे कि नल का पानी होता है उस तरीके से गैस जब हमारा पानी ठंडा हो जाएगा तब डालना हमें इसको बैटरी में। तो बैटरी में डालने के बाद जो गैस हमारे बिल्कुल डिफरेंट नहीं आने वाला है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर में या फिर आपके एक इस वाटर में। तो फिलहाल जो हमारा पानी है वो बन के रेडी हो चुका है, तो आप चाहो आप किस बैटरी में इसको डाल सकते हो बहुत आसानी से। डोंट वैसी भी बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस आप समझ गए हो कि जो हमारा बैटरी का पानी वो किस तरीके से बनता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते जब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।